फ्रेंड्स, एमएस कोडर में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे एसआरएस क्या होता है और एसआरएस के हम कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट भी जानेंगे, तो आज की इस वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। तो यहाँ पर पहला पॉइंट है, एसआरएस स्टैंड्स फॉर सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। जो एसआरएस की फुल फॉर्म होती है वो होती है सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर, इट इज़ अ प्रॉपर डिस्क्रिप्शन वॉट द सॉफ्टवेयर विल डू एंड हाउ इट वुड बी परफॉर्म्ड। ये जो SRS होता है ये एक प्रॉपर मतलब डिस्क्रिप्शन होता है, एक डॉक्यूमेंट होता है जिसमें हम ये मेंशन करते हैं कि सॉफ्टवेयर हम किस लिए बना रहे हैं, मतलब सॉफ्टवेयर क्या काम करेगा और इसको किस तरह से हम मतलब कैसे ये परफॉर्म करेगा, क्या करेगा और कैसे परफॉर्म करेगा, ये सब चीज़ हम SRS डॉक्यूमेंट के अंदर लिखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर, SRS इज़ अ फॉर्मल रिपोर्ट विच एक्ट एज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ सॉफ्टवेयर। ये जो SRS होता है ये एक फॉर्मल रिपोर्ट होता है जो एक रिप्रेजेंटेशन की तरह काम करता है, मतलब सॉफ्टवेयर को रिप्रेजेंट करता है कि सॉफ्टवेयर के अंदर किस तरह की टेक्निक यूज की गई है, सॉफ्टवेयर को कितने टाइम के अंदर बनाया गया है, सॉफ्टवेयर को कब तक हम यूज़ कर सकते हैं, कितना कॉस्ट लगा इसको बनाने में, कौन कौन सी रिक्वायरमेंट थी इसको बनाने के लिए, तो सब कुछ मैंशन किया जाता है इन द SRS डॉक्यूमेंट। That enables the customer to review whether it is according to their requirements. तो ये जो SRS होता है ये कस्टमर को ये भी समझने में, ये भी अंडरस्टैंड करने में हेल्प करता है कि जो सॉफ्टवेयर उसके हाथ में आया है बनकर वो उसके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग बना है या नहीं, वो उसके रिक्वायरमेंट को फुलफिल करेगा या नहीं, तो सब कुछ हम SRS में मैंशन करके रखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर, इट इज़ एन एग्रीमेंट बिटवीन द क्लाइंट्स एंड डेवलपर। इसको हम एक एग्रीमेंट की तरह भी देख सकते हैं कि जो SRS होता है ये क्लाइंट और डेवलपर के बीच में एग्रीमेंट होता है कि कभी ऐसा ना हो कि कुछ समय बाद क्लाइंट ये कह दे कि मुझे तो इस तरह का सॉफ्टवेयर बनाने के लिए नहीं कहा था, इसमें कुछ और ऐड करने के लिए कहा था और आपने कुछ और ऐड कर दिया, या फिर डेवलपर ऐसा कह सकता है कि इसको बनाने में इतना कॉस्ट चाहिए था और आप कम कॉस्ट दे रहे हैं। तो ये एक एग्रीमेंट होता है जिसमें एवरीथिंग इज़ मैंशनड, जिसमें सब कुछ मैंशन किया जाता है कि प्रोजेक्ट को बनाने में क्या क्या टेक्नोलॉजी को यूज़ किया गया, कितने कॉस्ट के अंदर इसको बनाया गया और कौन कौन से रिक्वायरमेंट को ये फुलफिल करेगा, तो ये सब कुछ हम SRS के अंदर लिखते हैं। चलिए अब हम इसके कैरेक्टरिस्टिक पढ़ते हैं, SRS के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। तो सबसे पहला जो यहाँ पर इसका कैरेक्टरिस्टिक होता है वो होता है कम्प्लीट, या हम इसको कम्प्लीटनेस भी बोल सकते हैं। तो द SRS डॉक्यूमेंट मस्ट कवर ऑल द रिक्वायरमेंट रिलेटेड टू द सॉफ्टवेयर। किसी भी SRS को हम कंप्लीट तब बोलेंगे जब SRS के अंदर सारी रिक्वायरमेंट को कवर किया गया हो, जो हम प्रोजेक्ट बना रहे हैं उससे रिलेटेड सारी रिक्वायरमेंट हमारे SRS के अंदर मौजूद होना चाहिए, तब हम बोलेंगे कि दैट SRS इज कम्प्लीट। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट क्या कहता है, रिक्वायरमेंट्स इन SRS आर सेट टू बी कंसिस्टेंट इफ़ देयर आर नो कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन एनी सेट ऑफ रिक्वायरमेंट्स। किसी भी SRS को हम कंसिस्टेंट तब बोलेंगे जब उसमें कोई भी कन्फ्लिक्ट नहीं हो रहा हो, मतलब जैसे हमारा कोई SRS है उसमें एक यूज़र तो कह रहा है कि यहाँ पर इस रिक्वायरमेंट की ज़रूरत है, दूसरा यूज़र कह रहा है कि नहीं भैया यहाँ पर इस तरह की रिक्वायरमेंट की ज़रूरत है, तो वहाँ पर रिक्वायरमेंट में आपस में क्या हो गया, कॉन्फ्लिक्ट हो गया। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, उसमें जितने भी रिक्वायरमेंट होने चाहिए वो बिल्कुल इंडिपेंडेंट होने चाहिए या डिपेंडेंट होने चाहिए, वहाँ पर ऐसा नहीं होना चाहिए कि कुछ यूज़र की रिक्वायरमेंट कुछ है, कुछ यूज़र की रिक्वायरमेंट कुछ है, तो वहाँ पर कंसिस्टेंसी नहीं होगी। फिर नेक्स्ट होता है यहाँ पर अनएम्बिग्यूज। तो देखिए यहाँ पर क्या होता है, SRS इज सेट टू बी अनएम्बिग्यूज इफ़ ऑल द रिक्वायरमेंट स्टेटेड हैव ओनली वन इंटरप्रिटेशन। मतलब SRS के अंदर हम जितने भी रिक्वायरमेंट को मेंशन किया है, जितने भी रिक्वायरमेंट को कवर किया गया है, उन सब की एक ही मीनिंग निकलनी चाहिए, क्योंकि ऐसा होता है कि किसी टाइम जैसे हमने कोई SRS बनाया और बनाया तो किसी डेवलपर ए ने और उसको पढ़ रहा है डेवलपर बी, तो वहाँ पर अगर अलग अलग वर्ड मीनिंग निकलेंगे तो वहाँ पर दोनों डेवलपर के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि यहाँ पर हमें कुछ और बनाना था और हम कुछ और बना रहे हैं। तो यहाँ पर बिल्कुल इंटरप्रिटेशन सिंगल होनी चाहिए, मतलब अलग अलग मीनिंग नहीं निकलने चाहिए किसी भी रिक्वायरमेंट की। तो चलिए अब हम इसके नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते। फिर नेक्स्ट होता है यहाँ पर इसका जो करेक्टरिस्टिक होता है वो होता है करेक्टनेस। SRS इज सेट टू बी करेक्ट इफ इट कवर्स ऑल द रिक्वायरमेंट्स दैट आर एक्चुअली एक्सपेक्टेड फ्रॉम द सिस्टम। हम किसी भी SRS को करेक्ट तब बोलेंगे कि उसके अंदर जितने भी हमने रिक्वायरमेंट को कवर किए हैं वो सभी के सभी सिस्टम से एक्सपेक्टेड होने चाहिए कि इस सिस्टम को बनाने के लिए हमें इस तरह के रिक्वायरमेंट की ज़रूरत थी। नेक्स्ट पॉइंट होता है यहाँ पर रैंकिंग फॉर इम्पोर्टेंस एंड स्टेबिलिटी। देयर शुड आस क्राइटेरिया टू क्लासीफाई द रिक्वायरमेंट्स लेस और मोर इम्पोर्टेंट एज डिस्क्राइबर
क्राइबल और इसेंशियल। देखिए जब हम कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं या कोई सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा मॉड्यूल होते हैं, बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होते हैं, लेकिन SRS के अंदर हम क्या करते हैं, जिस रिक्वायरमेंट की ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है उसको हम सबसे पहले मेंशन करते हैं। मतलब देखिए जैसे दो वर्ड होते हैं, एक तो होता है कि जैसे मॉड्यूल ए है और एक होता है मॉड्यूल बी है, या रिक्वायरमेंट ए है रिक्वायरमेंट बी है। तो कस्टमर कहता है कि रिक्वायरमेंट ए तो होना ही चाहिए और रिक्वायरमेंट भी होना चाहिए। तो यहाँ पर जो डिफरेंस आ रहा है ही का, यानी कि रिक्वायरमेंट तो होना ही चाहिए तो इसके लिए आ रहा है, तो इसको हम पहले मेंशन करेंगे, यानी कि पहले इसको बनाएंगे। और दूसरा आ रहा है रिक्वायरमेंट भी होना चाहिए, तो इसको हम समझ जाते हैं कि इसकी इंपॉर्टेंस कम है तो इसको हम बाद में डेवलप करते हैं। तो यहाँ पर हम जिसकी ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है उसको हम पहले रखते हैं फर्स्ट लेवल पर, फिर सेकेंड लेवल पर रखते हैं, तो इसको बोलते हैं हम रैंकिंग फॉर इंपॉर्टेंस एंड स्टेबिलिटी। नेक्स्ट है यहाँ पर मॉडिफिएबिलिटी। SRS should be made as modifiable and should be capable of easily accepting change to the system to some extent. Modifiable का मतलब क्या होता है कि हमारा SRS ऐसा होना चाहिए कि अगर कुछ समय बाद हमें कुछ चेंजिंग करना पड़ जाए तो हम उसको आसानी से चेंज कर ले, क्योंकि जो यूज़र होता है उसकी डिमांड टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है, तो हमें SRS ऐसा ही बनाना चाहिए दैट शुड बी चेंज इन द फ्यूचर, जिसको हम फ्यूचर में आसानी से चेंज कर सकें। फिर होता है वेरीफिएबिलिटी। वेरीफिएबिलिटी क्या कहता है, SRS इज वेरीफिएबल इफ देयर एग्जिस्ट अ स्पेसिफिक टेक्निक टू क्वांटिफाइबल मेजर द एक्सटेंट टू विच एवरी रिक्वायरमेंट इज मेट। जो हमारा SRS होता है उसके अंदर हमें कुछ ऐसे वर्ड यूज़ करने चाहिए जिससे हमें ये पता चल जाए कि ये जो रिक्वायरमेंट है ये वेरीफाई है। मतलब उसके अंदर हमें कोई ऐसे वर्ड यूज़ नहीं करने चाहिए जैसे मे, गुड, इस तरह के हमें सेल भी ऐसा वर्ड नहीं यूज करना चाहिए। जैसे हम अगर यहाँ पर वर्ड यूज करते हैं मे, यानी कि मे इट रिक्वायरमेंट मे बी गुड, तो यहाँ पर ये रिक्वायरमेंट गुड हो सकती है, तो यहाँ पर देखिए कुछ सेंस नहीं निकल रहा है, तो हमें ऐसे वर्ड यूज नहीं करने चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है होता है यहाँ पर ट्रेसेबिलिटी। ट्रेसेबिलिटी का मतलब क्या होता है, वन शुड बी एबल टू ट्रेस अ रिक्वायरमेंट टू डिजाइन कंपोनेंट एंड देन कोड सेगमेंट इन द प्रोग्राम। यानी कि प्रोग्राम के अंदर जो हम कोड लिख रहे हैं उसके बारे में हमें पता होना चाहिए कि कोड की मीनिंग क्या है, कोड क्या करेगा, मतलब इस कोड से हमें क्या आउटपुट मिलेगा और इस आउटपुट की आगे फ्यूचर में क्या ज़रूरत है। तो हमें सब कुछ पता होना चाहिए कि उस तब हम बोलेंगे कि जो हमारा SRS है वो ट्रेसेबिलिटी है। तो आई होप कि आज की वीडियो से आपने कुछ नया सीखा होगा, आज की ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी, तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। और अगर आप इसी तरह की वीडियोस को देखना चाहते हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखना चाहते हैं, तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।